राजस्थान बीजेपी के एक मंत्री जो हर वक्त अपने अजीबोगरीब बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और कई बार उनके बयानों की वजह से खासा विवाद भी खड़ा हो जाता है, वो मंत्री हैं मदन दिलावर। दिलावर ने हाल ही में आदिवासी समाज को लेकर एक बयान दिया था जिसका विरोध अभी तक ठीक से थमा भी नहीं है, और ऐसे में दिलावर ने अब राहुल गांधी को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। दरअसल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर शनिवार को बामनवास और पीपलाई के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने ठाणी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन का लोकार्पण किया और बामनवास उपखंड के गुजर बड़ौदा में कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान दिलावर ने राहुल गांधी पर एक विवादित बयान भी दिया। दिलावर बोले कि विदेशी कोख से पैदा हुआ व्यक्ति कह रहा है कि हिंदू हथियारे हैं। सुनिए दिलावर ने क्या कुछ कहा। कांग्रेस से जीते हुए एक सांसद ये कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। मैं कहता हूं उस देश का आदिवासी, चाहे वो मीणा हो, भील हो, कराशा हो, सब आदिवासी है। आदिवासी है वो हिंदू है, वो भगवान राम को मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, बालाजी भैरव जी की पूजा करते हैं, और ये भारत माता हमारी माता ऐसा करते हैं, वो कभी हिंदू से अलग नहीं हो सकते। आदिवासियों और हिंदुओं को अलग करके देश के टुकड़े करने का प्रयास कर रहे हैं, इस देश को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, और हम किसी भी कीमत पर इस देश को तोड़ने वाले, कमजोर करने वाले, इस देश के साथ गद्दारी करने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। हम आदिवासी हैं, आदिवासी थे, आदिवासी रहेंगे, हम हिंदू थे, हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे, हमको हिंदुओं से कुछ दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकते। लेकिन विदेशी धरती पर पैदा हुए लोग, विदेशी महिला के पेट से पैदा हुए लोग आज हमको बांटने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़ौदा गांव में 25 लाख रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की। दिलावर ने बड़ौदा गांव के साथ ही आसपास के सड़कों के निर्माण का आश्वासन भी दिया। ऐसे तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।